तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई सब्जियां बहुत ज़्यादा खाई जाती है हमारे देश में, और आजकल तो आपको पता ही है कि टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहे हैं, आम आदमी की पहुँच से दूर है। 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो तक भी बिक रहा है ये। और इसी के अलावा सिर्फ टमाटर ही नहीं, बाकी की जितनी भी सब्जियाँ हैं उन सब के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो आम लोगों की पहुँच से लगातार दूर होती जा रही है। कोई अगर 5 किलो लेता था ना कोई सब्जी, तो वो मुश्किल से 1 किलो ले रहा है या आधा किलो ले रहा है, और उसी में ही काम चला रहा है। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो गरीब लोगों की हो रही है, क्योंकि गरीब लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर तो खाना नहीं खाते हैं, वो घर पर ही बनाते हैं और वहीं पर ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन अगर घर पर बनाने वाली चीज़ें भी अगर महंगी हो जाएगी तो गरीब लोग क्या खाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, ये क्या मसला हो रहा है, ये सब्जियाँ क्यों महंगी हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, देश भर में मानसून शुरू हो चुका है और अब गर्मी से लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। आजकल तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी के वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब मानसून आ चुका है जिससे हमें बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन बारिश तो आ गई है और उसके साथ सब्जियों को भी महंगा कर दिया है। और आप इसके बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे कि टमाटर 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, और ना सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियां भी इस समय काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है वो बिगड़ गया है। और जो लोग पहले 2-3 किलो, 4 किलो, 5 किलो सब्जियाँ खरीदते थे, वो अब आधा किलो या 250 ग्राम या 1 किलो में काम चला रहे हैं। आप देख सकते हैं मातृभूमि.com 28 जून का आर्टिकल है ये। सोरिंग वेजिटेबल प्राइसेस बर्डन कंज्यूमर, स्मॉल ओनियन टचेस 200 रुपीज़ पर केजी, यानी कि जो बढ़ता हुआ जो महंगाई है, जो सब्जियों के दाम है, इससे जो कंज्यूमर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। और जो छोटी प्याज है वो 200 रुपये किलो हो गई है। छोटी प्याज जल्दी से कोई लेना पसंद नहीं करता है, लेता भी है तो सस्ते में लेता है, लेकिन छोटी प्याज यहाँ पर 200 रुपये किलो बिक रही है। और यहाँ पर जी बिजनेस का भी आर्टिकल है, स्टॉर्म इन वेजिटेबल बास्केट, यानी कि वेजिटेबल बास्केट के अंदर जो है तूफान आ गया है। टोमेटो प्राइसेस जंप टू 150 पर केजी, ग्रीन चिली सेलिंग एट 100 रुपीज़, टमाटर का दाम जो है वो 150 रुपये किलो, और जो हरी मिर्ची है उसका दाम 100 रुपये किलो। वैसे देखा जाए तो देश के सभी हिस्सों में सब्जियों की कीमत बढ़ी है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा रेट अगर कहीं पर बढ़े हैं तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और अगर मैं केरल की और कर्नाटक की बात करूँ तो वहाँ पर जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि तिरुवनंतपुरम, कोलार, मैसूर, होसूर, इन जैसे बड़े शहरों में वहाँ पर महंगाई अपने चरम पर पहुँच गई है। जैसे कि टमाटर, नींबू, अदरक और जो हरी मिर्च है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है और इनकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो गई है प्रति किलो। टमाटर की हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, और ना सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि टमाटर सभी जगह पर 100 रुपये से भी ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है। हमारे बिजनौर में भी 120 रुपये किलो पर केजी टमाटर बिक रहा है। और अगर मैं अदरक की बात करूँ तो अदरक पहले 60 रुपये किलो बिकता था, लेकिन अब 240 रुपये किलो बिक रहा है, यानी कि इसमें 400% की बढ़ोतरी हुई है, 4 गुना रेट बढ़ गए हैं। और इसी तरह से भारतीय खानों में हरी मिर्च का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और अक्सर जब लोग सब्जियों को खरीदने सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जियाँ खरीदने के बाद उसमें थोड़ी हरी मिर्च फ्री में डलवा लेते हैं कि थोड़ी सी 2-4 हरी मिर्ची डाल देना। लेकिन अब ये कोई भी फ्री में नहीं दे रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हरी मिर्च जो पहले 40 रुपये प्रति किलो होती थी वो अब 160 रुपये किलो हो रही है, 4 गुना रेट बढ़ गया है इसके। और इसी तरह से छोटी प्याज जो नॉर्मली साउथ इंडिया में खाई जाती है वो पहले 40 रुपये किलो थी, लेकिन अब ये 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो कहीं कहीं पर, तो ऐसे हो रही है। यानी कि अगर आप सब्जियाँ खरीदने सब्जी मंडी जाओगे तो रेड़ी वेड़ी ठेली वाले से भी सब्जी खरीदोगे तो आपको तब पता चलेगा कि सब्जियों की जो कीमत है उसमें आग लगी हुई है। और ना सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि देश के कोने कोने में सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों की सब्जियाँ मैसर नहीं हो पा रही है, और लोगों की जो रसोई है उसका बजट बिगड़ गया है, जिससे लोगों को जितनी सब्जियाँ की ज़रूरत होती थी उससे कम ही सब्जियाँ खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि सब्जियों में अचानक आई इस तेज़ी के पीछे क्या वजह है। तो देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सप्लाई और प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो सब्जियों को उगाने के लिए जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और दूसरी बात यह है कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ी हुई थी जिससे सब्जियों की काफ़ी सारी फसल डैमेज हो गई और इससे सप्लाई में शॉर्टेज आ गई। इसको लेकर तो खुद व्यापारी भी बोल रहे हैं कि ढंग से बारिश ना होने से और ज़्यादा गर्मी की वजह से कई सारी सब्जियों की फसल ही ख़राब हो गई है। और इतना ही नहीं, जो बची खुची फसलें थी तो उसके ऊपर कीड़ों ने हमला कर दिया, जिससे और ज़्यादा फसलें तहस नहस हो गई और हमें सब्जियों की में कमी देखने को मिल रही है। अब जब सब्जियों में कमी होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि सब्जियों के जो दाम है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक ऐसा ही हाल मुंबई में भी हुआ है। मुंबई में जो सब्जियों की कीमत बढ़ रही है उसके पीछे भी एक्सट्रीम हीट और
प्रॉपर बारिश ना होना इसके पीछे कारण है। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर कारण जो है साउथ इंडिया में वो ये दो कारण है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो ये जगह वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सूखी रहती है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दम पर वहाँ पर काफ़ी फसलें होती है, लेकिन प्राइस तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है बिपरजॉय स्टॉर्म। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिपरजॉय सी से उठ अरेबियन सी से उठकर बिपरजॉय तूफान आया और उसने पाकिस्तान और भारत को हिट किया, और इस तूफान ने गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान किया। और इस चीज़ से राजस्थान में काफ़ी तगड़ी बारिश आ गई जिससे खेतों में पानी भर गया और बहुत सारी फसलें खेतों में पड़े पड़े सड़ गई। और उसके बाद मानसून की बारिश शुरू हो गई जिससे रही सही जो फसल बची थी वो भी बर्बाद हो गई। और इसका सबसे ज़्यादा असर टमाटर पर पड़ा जिससे टमाटर की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ गई और बाकी की दूसरी सब्जियाँ भी 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। और इस सब की वजह से सब्जियाँ उगाने वाले राज्यों पर काफ़ी तगड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो दूसरे राज्यों में सब्जियाँ सप्लाई करें। जैसे कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी होती है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि वो दूसरे प्रदेशों को सब्जियाँ सप्लाई करें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इस बार बेमौसम बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और वो भी वहाँ पर जहाँ सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। आपने देखा होगा कि मई महीने में जहाँ पर गर्मी होनी चाहिए थी वहाँ पर बारिश हुई है, जो नॉर्मल गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन बारिश पड़ने से सब्जियाँ सड़ गई जिससे किसानों ने अपनी फसलें ऐसे ही खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दी और फसल की कमी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे फसलें या तो बर्बाद हुई है या उनकी कीमत बढ़ी है। वैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है बिपरजॉय और मानसून। बिपरजॉय तो अभी आया है, लेकिन मानसून हर साल आता है, और जब मानसून आता है तो देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ जाती है जिससे फसलें तो बर्बाद होती हैं, साथ में कम सब्जी होने से कीमत भी बढ़ जाती है। गुवाहाटी में ही बाढ़ से 10,000 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई थी। बाढ़ से फसलें सड़ जाती है और वो खाने लायक नहीं रहती है, तो ऐसे में फसलें कम होती है और कीमत बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से अगर कुछ फसल बच भी जाए तो वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाती है। बाढ़ से रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, और कभी कभी ब्रिज भी टूट जाते हैं जिससे जो सब्ज़ी मार्केट में पहुंचनी चाहिए थी वो सब्ज़ी मार्केट में पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि रास्ता ही नहीं है भाई, इनएक्सेसिबल हो जाता है वो, और इससे मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग सब्जी अवेलेबल ही नहीं हो पाती है और एज ए रिजल्ट सब्जियाँ महंगी हो जाती है। और इसके साथ ही एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ सब्जियाँ ज़्यादा उगती है, तो ऐसे में इन प्लेसेस पर मुसीबत आ जाए तो सभी जगह कीमतें बढ़ जाती है। जैसे महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज़्यादा होती है और एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी भी महाराष्ट्र के लासल गाँव में है, तो ऐसे में प्याज पर महाराष्ट्र में मुसीबत आए तो इसका असर पूरे देश भर में होता है। तो ऐसे में किसी सब्जी के लिए पर्टिकुलर रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि टमाटर को देखो तो बेंगलोर और नासिक की मंडी में टमाटर का थोक भाव 60 रुपये 65 रुपये किलो है, और इसके अगर कमीशन टैक्स और मजदूरी जोड़ दी जाए तो तब टमाटर की कीमत 80-85 रुपये किलो पड़ती है थोक में। तो ऐसे में टमाटर की जो रिटेल प्राइस है वो 100-120 रुपये किलो हो रही है। और जब इसके बारे में सरकार से पूछा गया कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है सब्जियों में, तो सरकार ने ये बताया है कि ऐसा मानसून सीजन में होता ही है, लेकिन ये टेम्परेरी है, अस्थाई है, और जब हिमाचल और दूसरी जगह से सब्जियों की सप्लाई आने लगी तो तब सब्जियों की कीमत गिर जाएगी। और इसके अलावा जो व्यापारी है वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर प्राइस गिरने वाले हैं और कीमतें जो हैं वो स्टेबल हो जाएगी, लेकिन कब होगी ये कोई नहीं जानता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।